दोस्तों आज हम एक टेक्निकल टर्म्स देखने जा रहे हैं, व्हाट इज इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट, यानी इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है और आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ कहाँ पे पिक्चर में आती है, वो सब जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये इंट्रानेट क्या है एग्जैक्टली। तो अगर आप कोई ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं या तो कहीं पे भी आप कॉलेज में जाते हैं स्कूल में वगैरह में, तो आपको पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल, चलो एक ऑफिस का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपकी ऑफिस में 8-10 कंप्यूटर होते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वो वाया लैन के थ्रू एक दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि ऑफिस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो हर एक के कंप्यूटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। कोई एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर होता है, उसके अंदर एक सर्वर बनाया जाता है और उसके ऊपर वो सारे रिसोर्सेज रखे जाते हैं। रिसोर्सेज मतलब कोई आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल होती हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, यानी ऑफिस वर्क के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, वीडियो ऑडियो फाइल जो भी आप कोई भी रख सकते हैं वो वहाँ पे होती है और आप अपने कंप्यूटर पे बैठे वहाँ से वो पर्टिकुलर रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इंट्रानेट जो होता है वो पर्टिकुलर एक लिमिटेड एरिया में होता है, जैसे आपकी ऑफिस स्कूल कॉलेजेस। तो क्या होता है, अगर आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो ही वो आप रिसोर्स यूज़ कर पाएंगे, यानी आपको एक सर्वर का एड्रेस वगैरह इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपको कोई फाइल वगैरह पे काम करना होता है तो पहले आप सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ से वो पर्टिकुलर फोल्डर में से वो फाइल एक्सेस करके अपडेट करके फिर से वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन वो आप कब कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस के अंदर बैठे ऑफिस का ही कोई कंप्यूटर यूज करते हैं तो यूज आप पर्टिकुलर रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुआ इंट्रानेट। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली कि ये एक्स्ट्रानेट क्या चीज है। तो जनरली एक्स्ट्रानेट, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि एक्स्ट्रानेट में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑफिस है, आपकी ऑफिस का एक इंट्रानेट है, सामने एक दूसरी ऑफिस है, आप मान लीजिए कि वो सप्लायर है, आपकी ऑफिस में कुछ मटेरियल वो सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर की भी खुद की एक ऑफिस होगी, उसके ऑफिस में भी 8-10 कंप्यूटर होंगे। तो जनरली होता क्या है कि आपको कभी कोई चीज़ सप्लायर के पास से मंगवानी होती है तो जनरली आप उसे मैसेज कर देते हैं कि हमें पर्टिकुलर इतनी ये पर्टिकुलर चीज़ की इतनी इन्वेंटरी हमें भेज दो। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका इंट्रानेट अलग है, उसकी ऑफिस का इंट्रानेट अलग है, यानी दोनों नेटवर्क अलग अलग लोकेशन पे है। आपकी ऑफिस ये सिटी में है और दूसरे सप्लायर की ऑफिस दूसरी सिटी में, हो सकता है वो सेम सिटी में दूसरी बिल्डिंग में हो या तो फिर दूसरे रूम में हो, लेकिन दोनों नेटवर्क अलग अलग है, दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ कुछ एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इंट्रानेट है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जितने भी इंट्रानेट के अंदर के कंप्यूटर है वो एक दूसरे की चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो फैक्ट्री में आपको ऐसा कुछ ऑटोमेशन करना है कि पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल्स आप परचेस करते हैं अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाए तो सप्लायर आपको वो ऑटोमेटिकली आपको उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़ हमारे पास कम है आप भेज दो। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो सप्लायर है उसको आपको एक एक्सेस देनी पड़ती है आपके नेटवर्क में से। तो यहाँ पे काम आता है एक्स्ट्रानेट, यानी सप्लायर की जो ऑफिस का नेटवर्क है और आपकी ऑफिस का नेटवर्क है वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है वाया प्रोटोकॉल। और उसमें क्या होता है कि सप्लायर के कंप्यूटर को आप एक लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि ये पर्टिकुलर इतनी ही जानकारी ये सप्लायर हमारे पास से देख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो आपने कुछ ऐसी सिस्टम सेटअप की है कि उसके अंदर आपके आपका जो रॉ मटेरियल है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी से लो हो जाता है, या तो वो पर्टिकुलर उसके नेटवर्क में से एक रिक्वेस्ट भेजे और आपके हमारे जो इंट्रानेट होता है उसमें से वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फैच कर सके, यानी रॉ मटेरियल अभी कितना है। तो डायरेक्टली क्या होता है उसको पता चल जाएगा कि हमारे जो फैक्ट्री है उसमें अभी रॉ मटेरियल कम है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से वो ऑर्डर डिस्पैच कर देगा, हमें उसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे कुछ काम के लिए एक्स्ट्रानेट पिक्चर में आता है, यानी दो इंट्रानेट होता है उसे कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रानेट वाया पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सप्लायर के जो कंप्यूटर में से वो वहाँ बैठे बैठे जो एक्सेस करते हैं वो हमारी ऑफिस के सारे डेटा वगैरह वो एक्सेस कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर रिसोर्स यानी पर्टिकुलर फोल्डर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे उसे एक्सेस दी जाती है और उसके लिए हमारे इंटरनेट के अंदर एक एक्स्ट्रानेट का एक सर्वर भी रखा जाता है और वहाँ पे वो पहले कनेक्ट होता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेट होता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेस है कि नहीं। अगर उसे एक्सेस है तो जितनी फोल्डर की एक्सेस
दी गई है उतने ही फोल्डर वो वहाँ से एक्सेस कर सकते, यानी दोनों ऑफिस रहेगी तो अलग अलग और वाया कोई भी मीडियम वो कनेक्ट हो सकती है। इधर आप कोई भी कम्युनिकेशन लाइन सेटअप कर सकते हैं, लैन का केबल सेटअप कर सकते हैं दो ऑफिस के बीच में और कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऑफिस एक सिटी में होती है, दूसरी ऑफिस दूसरी सिटी में होती है, या तो एक सिटी के एक एरिया में होती है सप्लायर की ऑफिस दूसरे एरिया में होती है, तो वहाँ पे केबल प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कितनी 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 जगह पर हम केबल लगाएंगे। तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है वो पिक्चर में आता है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इंटरनेट क्या है। तो जनरली इंटरनेट क्या है, एक पर्टिकुलर ओपन नेटवर्क है जिसके अंदर वर्ल्ड के सारे जितने भी सर्वर्स कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली अब होता क्या है कि जब भी आप ISP के थ्रू आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको वो पर्टिकुलर कनेक्शन देते हैं, आप अपने कंप्यूटर के साथ उसे वाया मॉडेम कनेक्ट करते हैं। तो बिहाइंड द सीन एग्जैक्टली होता क्या है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आप वो इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसके थ्रू ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जिस पर्सन की भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसने अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर रखी है तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनाई है, मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट क्या होती है कैसे काम करती है। तो आपने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट एक होस्टिंग सर्वर पे आपने होस्ट की है। तो एग्जैक्टली वो होस्टिंग सर्वर होता क्या है कि एक सर्वर बनाते हैं वहाँ पे वो वेब सर्विस सेटअप करते हैं और आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट कर देते हैं, और वो सर्वर का जो IP एड्रेस होता है वो पब्लिकली ओपन होता है, और वाया जो आप डोमेन नेम लेते हैं उसके साथ वो IP एड्रेस मैप कर दिया होता है। तो क्या होता है कि आप www.xyz.com लिखते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है xyz.com जो सर्वर पे है वहाँ से वो एक्सेस होती है, क्योंकि वो जो सर्वर होता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है कोई प्रोटोकॉल के अंडर में, जैसे वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल होता है HTTP HTTPS वगैरह। तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि वर्ल्ड में जितने भी सारे कंप्यूटर है वो ऐसे पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं कि जो पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यानी वो वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा तभी एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम हमारे ऑफिस के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो हमारे ऑफिस के अंदर अगर 10 कंप्यूटर है तो हम हर एक कंप्यूटर में से इंटरनेट तो एक्सेस करते हैं, तो क्या हमारे हर एक कंप्यूटर पब्लिकली इंटरनेट में एक्सपोज हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली होगा कि आपको पता ही होगा कि जब आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो तो उस टाइम पे आप राउटर लगाते हैं। तो जनरली राउटर का काम क्या होता है कि आपके ऑफिस का जो नेटवर्क है उसमें से जितने भी कंप्यूटर है उसमें से जो रिक्वेस्ट जा रही है वो पहले राउटर में जाएगी और राउटर में से जाएगी बाहर इंटरनेट पे। तो होगा क्या, जब भी वो रिक्वेस्ट फुलफिल होकर वापस आएगी तो पर्टिकुलर पहले वो आएगी राउटर में, और राउटर को पता होगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से कंप्यूटर में से आई थी, तो वो पर्टिकुलर वो रिप्लाई जो सेंड करेगा वो पर्टिकुलर कंप्यूटर में करेगा। यानी अगर बाहर के नेटवर्क में से तो सिर्फ एक्सेसिबल है आपका राउटर, राउटर के पीछे क्या चीज़ है वो बाहर किसी को पता नहीं चलेगी, आपको पता होगा। इसलिए राउटर के अंदर फायरवॉल भी आती है, तो फायरवॉल का पर्टिकुलर यूज यही है कि बाहर के कोई भी लोग आपके नेटवर्क में अंदर नहीं आ जाए। तो वो पर्टिकुलर कभी कभी राउटर के अंदर इनबिल्ट फायरवॉल होती है, कभी कभी हमारे विंडोज के अंदर भी फायरवॉल होती है, लेकिन उसका अलग अलग रोल होता है। राउटर के अंदर जो फायरवॉल होती है वो हमारा पूरा जो नेटवर्क होता है उसे सिक्योर करता है, और जो कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल होती है वो हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करता है। हम डिटेल में बाद में एक वीडियो भी देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ये फायरवॉल का काम क्या है, रोल क्या है, वो कैसे काम करती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इंटरनेट क्या है। तो एग्जैक्टली इंटरनेट ऐसे पिक्चर में आता है। तो होता क्या है कि इंटरनेट के थ्रू हर एक ऑफिस कनेक्टेड होती है, और दूसरी एक बात कि अगर दो ऑफिस को एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो वो दोनों अपने अपने इंट्रानेट के अंदर एक एक्स्ट्रानेट सर्वर बना सकते हैं और दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल सेट करके कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रानेट पिक्चर में आ जाता है। लेकिन वो दो ऑफिस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दो ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली कोई लाइन नहीं बिछाते, जैसे हम लैन का केबल लगाते हैं उसके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बीच में जो इंटरनेट होता है उसके थ्रू वो लोग कनेक्टिविटी ले लेते हैं और बाद में जो IP एड्रेस वगैरह होते हैं वो परचेस कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों नेटवर्क के जो सर्वर होते हैं, मेन सर्वर ही जनरली एक्सपोज होते हैं, वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे और बाद में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। तो आज मैंने ये तीन चीज़ बताई कि इंट्रानेट क्या होता है, जो ऑफिस के अंदर जो भी नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि दो इंट्रानेट नेटवर्क होता है वो एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसमें एक्स्ट्रानेट पिक्चर में आता है, और इंटरनेट, इंटरनेट तो आपको पता ही होगा जनरली एक ग्लोबल नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क है,
और सब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये पर्टिकुलर तीन चीज़ आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि एग्जैक्टली ये तीनों में क्या डिफरेंस है कुछ पता भी चला होगा। एक बेसिक जानकारी मैंने दी देने की कोशिश की है, मैंने ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मुझे पता है कि जनरली कुछ टेक्निकल पर्सन होते हैं उसे तो ये पता चल जाएगा, लेकिन मैंने ये पर्टिकुलरली नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि ताकि आपको जनरली पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये तीन चीज़ें कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।